सा गांव जहां आज़ादी के बाद से आज तक किसी प्रकार का थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है। कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र का यह सरैया गांव है। यहां यदि किसी प्रकार का विवाद होता है तो लोग थाना और न्यायालय का चक्कर नहीं काटते, बल्कि गांव में स्थित एक शिव मंदिर है जहां लोग शिव जी को ही जज मानकर विवादों का निपटारा बूढ़े बुजुर्ग कर लेते हैं और इनके फैसले को सभी लोग मानते हैं। आप खुद सुनिए इनकी जुबानी। पूरा हमारा संपत्ति बिक जाएगा, इसी कारण यह जो मंदिर है यह पंच परमेश्वर है, इन्हीं को जज मानते हैं और यही ये लोग फैसला सुनाते हैं और यही सजा दी जाती है। समाप्त करने वाला न कोई बाहर से जज आता है, न कोई मजिस्ट्रेट आता है, न कोई थाना के पुलिस अधिकारी जाते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि इस गांव की आबादी करीब 700 है और मोहनिया अनुमंडल से इसकी दूरी करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर है, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है। जबकि तत्कालीन डीएम अरविंद कुमार सिंह ने वर्ष 2014 में इस गांव को आदर्श ग्राम तो घोषित कर दिया, लेकिन सरकारी फाइल में कहीं आदर्श ग्राम नाम का चर्चा नहीं है। जबकि गांव वाले सरकारी बाबू के कार्यालयों का चक्कर कई बार लगाकर थक चुके हैं। यह गांव हर एक मामलों में अनोखा है। यहाँ किसी के पास लाइसेंसी बंदूकें और राइफलें भी नहीं है। पूछने पर ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। कैमूर पुलिस कप्तान भी मानते हैं कि आज के परिवेश में यह गांव अद्भुत है जहां एक भी मामला दर्ज नहीं है। अगर ऐसे और गांव हो जाएं तो अपराध का ग्राफ नीचे चला जाएगा और पुलिस को भी सहूलियत होगी। सरैया गांव है, अमेठी अमेठ पंचायत है। अभी तक जो पुलिस रिकॉर्ड में है, जो थाना अध्यक्ष से बात हुई है और आम जनप्रतिनिधियों से भी जानकारी ली गई है, वहाँ अभी तक कोई भी प्राथमिकी गांव में एक दूसरे के विरुद्ध दर्ज नहीं की गई है। गांव वाले सभी किसान हैं और पशुपालन और मतलब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं और बहुत अच्छे वातावरण में मतलब अपना जीविकोपार्जन करते हैं। कोई भी मामला होता है आपस में बैठ करके ये फैसला कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग इसको अप्रिसिएट करते हैं कि इस तरह के गांव अगर आपस में बैठ के मामलों को सुलझा लें तो पुलिस पर बहुत सारा दबाव जो है अनावश्यक वो कम हो जाएगा। सर, कैसे गांव के लोगों को या वो जो मुखिया होते हैं उनको आप सम्मानित करने का प्रयास करेंगे? नहीं, इस गांव के लोगों को हम लोग डीएम साहब से बात करके देखेंगे कि इस गाँव के लोग में और भी क्या खूबी है, किस तरह से उसके डेवलपमेंट के लिए या उस तरह के जो भी होगा उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई ना भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। वहीं कैमूर जिला अधिकारी ने उस गांव में जाकर लोगों के हौसला बढ़ाने की बातें कही और वहां के प्रधान को इस नेक कार्य के लिए सम्मानित करने तथा गांव में विकास के हर किरण को पहुंचाने का आश्वासन दिया। कैमूर से संवाददाता मिलन सिंह के साथ नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं शिवानी पांडे। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।